भाई ये भी प्यार है, हमसे कोई क्यों नहीं करता इतना प्यार। ये वो जगह जहाँ 1982 में नर्मदा एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच में बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ बहुत सारे यात्री मारे गए थे और बहुत सारे यात्री घायल हो गए थे। ये इसको ले आ, सिर पे उठा ले, इसको सिर पे उठा। शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। चैनल को सब्सक्राइब करो भैया, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसा करने से जन्मों के पाप धुल जाते हैं, और जो बिना सब्सक्राइब किए हमारा वीडियो देखते हैं उनके पापों का हिसाब रखने के लिए खुद चित्रगुप्त ने सेक्रेटरी रखा हुआ है। जी तो राम राम भाई, सारा ने स्वागत आपका अपने चैनल वेदी ब्लॉग्स में। मैं हूँ आपका होस्ट 33 वेदी। तो भाई मैं खड़ा हूँ फिलहाल दुर्ग स्टेशन पे, और हम भाई अपने छत्तीसगढ़ की जर्नी कंप्लीट करके जा रहे हैं भाई अपना हरियाणा। ये भाई हमारी ट्रेन जो कि है उधमपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, इसका ट्रेन नंबर भाई 20847। उधमपुर है भाई हमारे जम्मू कश्मीर राज्य में एक ज़िला है उधमपुर, और ये भाई वीक में एक ही बार चलती है, बुधवार यानी वेडनेसडे को। और ये ट्रेन भाई दुर्ग से चलेगी अब 11:10 पे और उधमपुर पहुँचाएगी भाई कल शाम 7:30 बजे, और हम जा रहे हैं भाई दुर्ग से पानीपत, तो पानीपत पहुँचाएगी सुबह 8:30 बजे। ये ट्रेन भाई काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा लेट हो रही है। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। तो देखते हैं फिर इसकी परफॉर्मेंस क्या रहती है, इसमें ट्रैवल करना सही है या नहीं। ये ट्रेन भाई टोटल डिस्टेंस कवर करती है वो है 1915 किलोमीटर, और इस ट्रेन के भाई जो स्टेशन है वो है 24। पानीपत है भाई इसका 17वां स्टेशन, और उधमपुर है जैसे 24, और पानीपत तक इसकी दूरी है भाई 1372 किलोमीटर। और इस ट्रेन का भाई जो लोकल रूट रहता है वो अपना दुर्ग से चल के रायपुर भाटापारा, फिर आता है अपना पेंड्रा रोड मतलब उसलापुर, पेंड्रा रोड जहाँ की भाई चाय बहुत मशहूर है फेमस है, फिर आता है झांसी जिसका न्यू नेम है वीरांगना लक्ष्मी भाई, ग्वालियर आगरा न्यू दिल्ली, और फिर पानीपत, पानीपत से होके भाई फिर वही लुधियाना जालंधर और पठानकोट जम्मू तवी और लास्ट है उधमपुर। ये भाई इसका रूट रहता है ट्रेन का। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। कहाँ स्टेशन भाई बहुत तगड़ा बना रखा है यार, मतलब स्मेल का बदबू वाली स्मेल नहीं, अच्छे वाली स्मेल है। अगरबत्ती वाली, और सबसे बढ़िया चीज़ भाई गर्मी में क्या है वो ये देख सकते हो आप, ये भाई फुल वो एसी है, पानी वाला एसी। आया मौसम ठंडे ठंडे गर्मी कूल का, और एसी के साथ साथ भाई ये सफाई के लिए ये गाड़ियाँ भी चल रही हैं स्टेशन पे, जो कि झाड़ू और पोछे के लिए है, एक्सवाइजर कूड़ा भी है तो उसको भी उठाने का काम कर गया है। ठीक है भैया, हाँ ठीक है भैया, बाय। तो चल पड़ी है भाई हमारी ट्रेन पूरे राइट टाइम, देख सकते हो 11:10 पे पूरा टाइम पे चल पड़ी है हमारी ट्रेन। चलिए फिर मैं देता हूँ आपको ट्रेन का रिव्यू। ओ क्या कूलिंग है, गेट खुलते ही भाई साहब बाहर तक कूलिंग की आवाज़ आ रही है। दुर्ग से बन के चलिए तो भाई ट्रेन बिल्कुल खाली है, और रही वॉशरूम की बात तो वो भी ओके ओके है। हमारी ट्रेन रायपुर पहुंच गई है, और जैसे कि मैंने बताया था कि ट्रेन लेट होगी तो वो यहाँ तक ही 20 मिनट लेट हो चुकी है। यहाँ से भाई ट्रेन में भीड़ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, और इस ट्रेन की सबसे बेस्ट चीज़ लगी मेरे को, अगर आपको इसमें 8 सीट दिख रही हैं तो आपको 8 ही चार्जिंग पॉइंट मिलेंगे। और एक और सबसे अच्छी चीज़ है इसकी कूलिंग, और फ्रेश चादर और फ्रेश कंबल पैकिंग के साथ। ये मंदिर भाई मरही माता मंदिर है भनवारटक बिलासपुर में, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। 1982 में घने जंगलों के बीच में नर्मदा एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच में भयंकर एक्सीडेंट हुआ था टनल से निकलते ही। इस दुर्घटना में भाई बहुत सारे यात्री मारे गए थे, घायल हो गए थे। इस दुर्घटना के बाद कई बड़े अधिकारी ग्रामीणों के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक पेड़ पर नारियल व चुन्नी बंधी हुई है, तो ग्रामीणों ने बताया कि ये उनकी आराध्या देवी मरही माई का स्थान है। इस ट्रेन हादसे के बाद यहाँ पर लोगों का काफ़ी आना जाना बढ़ गया। थोड़े दिन बाद इसी जगह पर एक और ट्रेन पटरी से उतर जाती है। इस चीज़ को देख के गवर्नमेंट की हेल्प लेके यहाँ पर मरही माता का मंदिर बनवाया जाता है, जहां पर आज के दिन में हजारों लोग दर्शन करते हैं। पहले मंदिर के आगे ट्रेन बढ़ती ही नहीं थी, बिल्कुल रुक जाती थी नारियल चुन्नी चढ़ाने के बाद, आगे बढ़ती थी पूजा पाठ करा के, अब सब ठीक हो गया है। कहते हैं कि उस हादसे के बाद यहाँ पर कोई भी हादसा नहीं हुआ है। मरी माई के मंदिर के आगे से अब जो भी ट्रेन जाती है या तो वो बिल्कुल रुक जाती है या फिर एक बार प्रणाम करके फिर आगे जाती है। कहते हैं कि नवरात्रों में यहाँ ट्रेन के पहिए अपने आप रुक जाते हैं। शाम हो चुकी है और हम पहुंचे हैं भाई पतली कमरिया मोरी, हाय हाय की बहन स्टेशन उमरिया। उमरिया है भाई, मध्य प्रदेश में पड़ता है उमरिया,
जो कि शेड्यूल के अंदर आता है। और भाई इस ट्रेन की मतलब एक बुरी चीज़ है, एक क्या दो तीन चीज़ में है। एक तो भाई ये लेट हो रही है, जैसे कि मैंने पहले बताया था 5-6 घंटे लेट होती है, तो ये अभी तक 2 घंटे लेट हो चुकी है, अभी तक शेड्यूल आया है। और भाई इसमें एक पेनेट्री नहीं है यार, मतलब खाना तो आपको मिल जाएगा लेकिन खाना आता है वो आता है बाहर से, मतलब आपको ऑर्डर देना पड़ता है। तो फिर कल मिलते हैं भाई आपको इसी ब्लॉग में, इसी जर्नी में। और भी दे दिया है रेल ने, खाना खा के सोते हैं भाई और सुबह मिलते हैं आपको, देखते हैं कितनी ट्रेन घंटे लेट मिलेगी ट्रेन हमको। पर अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। तो फिर चलो गुड नाइट, टेक केयर बेबीज। तो गुड मॉर्निंग भाई, स्वागत है आपका उसी जर्नी, छत्तीसगढ़ से हरियाणा की जर्नी में। मैं हूँ भाई फिलहाल आगरा, आगरा भाई उत्तर प्रदेश में, जो कि भाई जमुना नदी के तट पर बसा हुआ एक शहर है। और भाई यहाँ का मतलब फेमस, जो सबसे फेमस आगरा किस लिए जाना जाता है, आगरा जाना जाता है भाई ताजमहल, जो कि प्यार की निशानी है, और फिर जामा मस्जिद हो गया भाई, अकबर का मकबरा, मरियम का मकबरा। ट्रेन लेट हो गई है भाई, 5.25 घंटे लेट हो चुके हैं अभी तक, जो कि इसको पहुँचाना था रात को 4 बजे, वो फिलहाल है हम 9:30 बजे खड़ी है ट्रेन यहाँ पे। चलो 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 अंदर चलो। बारिश आ गई, अब तो बारिश भी आ गई, तुम जल्दी आ जाओ। न्यू दिल्ली स्टेशन पे रुकी है भाई ट्रेन, 12:30 का टाइम हो रखा है। और आए कौन है मिलने? हेलो भैया। और ये भाई हमारे अनीश भाई, हेलो ब्रदर। कौन है अयांश? अयांश कौन है? चाचू। ये कौन है? चाचू। चाचू और वो? वाह भाई, ये भी प्यार है, हमसे कोई क्यों नहीं करता इतना प्यार। ये सीधा है, टेढ़ा है? टेढ़ा है, सीधा है बैग? सीधा है। और अब ये टेढ़ा है? ये इसको ले आ, सिर पे उठा ले, इसको सिर पे उठा। सो फाइनली भाई हम हरियाणा में एंट्र कर चुके हैं, मैं हूँ फिलहाल पानीपत और टाइम हो रखा है 2 बज गए। यो बा अपना हरियाणा का पानीपत स्टेशन, 5 घंटे लेट थी भाई ट्रेन, 9 बजे कुछ पहुँचाना, 8:30 बजे और बज रहे हैं 2। ट्रेन भाई सफ़र करना चाहिए या नहीं? सफ़र करो भाई इमरजेंसी में तो करो, लेकिन अगर आपको टाइम के हिसाब से चलना है तो भाई ये ट्रेन हमेशा लेट होती है। लेकिन आपको एसी देखना है तो भाई कूलिंग मस्त है यार, बिल्कुल कूलिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई आपको गर्मी में। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जर्नी में। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, जय शंकर भगवान, जय श्री राम, जय श्री श्याम, राम राम। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना।